हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है चुनाव अभियान के विभिन्न माध्यम या साधन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला है पोस्टर लगाना। जी हाँ, चुनाव प्रचार के लिए या फिर चुनाव अभियान के लिए बहुत ही जरूरी है पोस्टर लगाना, जिससे कि वो नेता को समझ सके कि नेता कौन है और उसका चुनाव चिन्ह समझ सके। तो इस तरह से पोस्टर लगा के लोगों को जागरूक किया जाता है, चुनाव अभियान में लोगों को ये बताने की कोशिश की जाती है कि इस पार्टी से यह प्रत्याशी खड़ा है। तो पोस्टर लगाना एक इम्पोर्टेंट चुनाव अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सेकेंड, सभाएं करना। तो देखिए, सभा करने से क्या होता है कि लोगों का जनमत को तैयार किया जाता है, लोगों से बातचीत की जाती है, लोगों के ओपिनियन विचार को प्रकट किया जाता है, साथ में पार्टी की विचारधारा और उनकी भी विचारों को दिखाया जाता है। तो सभा करने से लोगों का आप कहीं हद तक मन परिवर्तन कर सकते हो और अपनी पार्टी की तरफ से आप वोट के लिए उनको कह सकते हो और आने वाले चुनावों में वो जो है आपको वोट डालेंगे। तो सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, सभा करना है। अब बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट की ओर, भाषण देना। जी हाँ, नेता का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तरह से ये समझिए कि जनता को संबोधित करना, जनमत को निर्माण करने में भाषण का बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेता जब भाषण देते हैं तो लोग उनके भाषण को सुनते हैं, उनके विचारों को समझते हैं और साथ में विपक्ष की पार्टियों की कमियों को भी उजागर करते हैं। तो कहीं ना कहीं भाषण से जो जनता है वो जागरूक होती है, शिक्षित होती है और साथ में उनके मन में विचार में परिवर्तन भी आता है, जिससे कि उस पार्टी को वो वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भाषण से कई हद तक हम जनता को इम्प्रेस कर सकते हैं, उनको अपनी पार्टी की विचारधारा को समझा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है चुनाव अभियान में भाषण देना। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, जुलूस निकालना। तो यहाँ पे जुलूस निकालने का मतलब है जहां पे बड़ी बड़ी रैली होती है, कई लोग उसमें जुड़े होते हैं, साथ में वाहन से, बाइक से या पैदल भी वो लोग रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं और एक एक पॉइंट से यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ डिपेंड करता है कि जुलूस कहां से कहां तक निकाला जा रहा है, जिससे कि दिखाने की जनशक्ति को दिखाने के लिए और कितनी पार्टी प्रभावशाली है तो उसको भी दिखाने के लिए ये किया जाता है। साथ में लोग इससे काफी प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं जन सलाब को देख के उनके विचार बदल जाते हैं। तो चुनाव अभियान में जुलूस निकालना भी एक प्रमुख इसका हिस्सा है। फिफ्थ पॉइंट है, घर घर जाकर मुलाकात करना। जी हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारे प्रत्याशी खड़े होते हैं चुनाव से, वह घर घर जाके लोगों से मिलते हैं, उनसे हाथ जोड़ते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जिससे कि वो लोगों से कनेक्ट हो सके और लोग उनको वोट दे और उनको चुनाव में जितवाए। तो घर घर जाके भी एक तरह से प्रचार करना, साथ में मुलाकात करना, ये भी एक तरह से चुनाव अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है या यूं कहे कि इसका एक माध्यम या साधन भी है। तो अब हम बात करेंगे छठे पॉइंट की ओर, जहां पे कि सोशल साइट के माध्यम से प्रचार करना। जी हाँ, तो ये भी चुनाव अभियान का आजकल की, क्योंकि आजकल लोग जो है काफी सारे लोग फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, समाचार पत्र देखते हैं, तो सोशल वेबसाइट के माध्यम से भी जो चुनाव की पार्टी है वो अपना प्रचार करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है इस साइट्स पे काफी एक्टिव होते हैं और वे अपने विचार रखते हैं, जिससे कि जनमत तैयार हो सके, वही जनता फिर उनको वोट दे। तो ये भी कहीं ना कहीं चुनाव माध्यम का या सॉरी चुनाव अभियान का एक बहुत बड़ा माध्यम है या बहुत बड़ा साधन है। आशा करता हूँ मित्रों कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।